तेरहम दिनक कथा राजा श्रीकरक कथा। श्रीकर नामक एकटा राजा रहथि, हुनका एकटा बड़ सुंदरी बेटी भेलनि। जखन हुनकर टिप्पणि देखौल गेल तऽ ज्योतिषी कहलकनि जे हिनका बड़ अधलाह योग छनि, छाती लात, झोटा हाथ आ सोतनिक पोखरिमे ढाय झाँक माटि उघथि, इएह हिनकर टिप्पणिमे छनि। राजा ई सुनि बड़ दुखी भेलाह। अपन साध किछु नहि छनि, ओ एहिमे की कहि सकतथि। बेटी जखन विवाह करबाक योग भेलखिन तऽ राजा मरि गेलाह। श्रीकर राजाक बेटाक नाम चंद्रकर रहनि। पिताक मृत्युक बाद चंद्रकर राजा भेलाह। माय सतत चंद्रकरके बहिनीक विवाह करयबा लए तंग करथिन, मुदा चंद्रकरके बहिनीक टिप्पणीक बात मोन छलनि। ओ अपन मायसँ कहलखिन, हम बहिनीक विवाह नहि करायब, हम हुनकर अपमान नहि सहि सकैत छी। छाती लात, झोटा हाथ आ सोतनिक पोखरिमे ढाय झाँक माटि उघब देखि हमरा बर्दाश्त नहि होयत। हम एकर निराकरण सोचि रहल छी जे ने केओ हुनका देखतनि आ ने ककरोसँ विवाह हेतनि, ने केओ छातीमे लात मारतनि आ ने केओ झोटामे हाथ लगौतनि, ने सौतनिक पोखरिक माटि उघा पड़तनि। राजा चंद्रकर एक निर्जन वनमे माटिमे एक बड़ पैघ सोनि खुनबौलनि। ओहिमे रहबाक योग एक घर आ एक इनार सेहो बनबौलनि। एक चिड़ियाके सङ्ग बहिनके ओहि सोनिमे बास दऽ देलनि। ऊपरसँ सोनिक मुँह बंद कय देल, कनेक द्वारि ओहिमे छोड़ि देल गेल जाहि बाटे बसात जा सकय, कोनो तरहे एक आदमी बाहर भीतर कऽ सकय। राजकुमारी अवला छलीह, हुनका भाइके बात मानऽ पड़लनि। ओ सोनिमे दिन काटऽ लगलीह। भाइ मास दिन पर खेबाक पीबाक वस्तु पठबैत रहथिन। एक दिन सुवर्ण नामक राजा शिकार खेलैत ओहि वनमे पहुँच गेलाह, जतय राजकुमारी सोनिमे रहैत छलीह। राजाके प्यास लागि गेलनि, ओ पानि तकैत छलाह। अचानक हुनका चुट्टी सब पर नजर गेलनि, चुट्टी सब एक धारीसँ जाइत छल। जखन राजा ओकरा देखलनि तऽ देखैत छथि जे चुट्टीके मुँहमे साग आ भात लागल छै। राजाके विश्वास भेलनि जे एहि लग पासमे केओ मनुष्य रहैत अछि। ओ चुट्टी धारीके अंत तक गेलाह। ओ देखैत छथि जे एक झाड़ीमे गीदर आ साहीके बिल सन सोनि छैक, ओहिसँ चुट्टीके धारी बहरेलैक अछि। राजा सोनिमे पैसि गेलाह। भीतर गेलाके बाद देखैत छथि एकटा बढ़िया आँगन आ एक इनार। ओ हाँक लगौलनि, किओ एतऽ छी, हमरा बड़ जोर प्यास लागल अछि, कनेक पानि पियाउ। हाँक सुनि राजकुमारी एक पात्रमे शीतल जल अपन चिड़ियाके हाथे पठा देलनि। राजा जल पीलनि किंतु प्यास लगले रहलनि। ओ पुनः पानि माँगि पीलनि। ओतय हुनका चिड़ियासँ ज्ञात भेलनि जे एक सुंदर राजकुमारी एहि सोनिमे रहैत छथि आ ओ कुमारिये छथि। ओहि राति राजा ओतय रहि गेलाह आ राजकुमारक सुंदरता देखि राजकुमारी मोहित भऽ गेलीह। ओ राजकुमारीसँ विवाह कऽ लेल। ओ सुख विलास करैत किछु दिन ओतय बितौलनि। राजा अपन राजधानी घुरबाक विचार करऽ लगलाह। राजकुमारी कहलखिन, जाइत छी तऽ जाउ, मुदा ई बात मोन राखब जे सोन सुदि तृतीयाके मधुश्रावणी पावनि हेतैक, ओहि दिन नवविवाहिता कनियाँ पावनि करैत अछि। ओहि दिन कनियाँ सब सासुरक वस्त्र पहिरैत अछि आ सासुरेके अन्न खाइत अछि, तैँ मोन पाड़िकऽ ककरो द्वारा से सब पठा देब।
पठा दे। राजा अपन राजधानी घुरि अला, कारीगर के बजौलनि आ एक खूब सुंदर चुनरी बुनि कऽ देव लेल आज्ञा देलनि। ई बात जटकी रानी बुझि गेली। रानी सोचलनि जे राजा फेर कतौ दोसर विवाह कयलनि अछि, तैं जोल्हाके चुनरी बुनि देबाक लेल कहलनि अछि। एतेक दिन जे राजा निपत्ता छलाह तकर इएह कारण छी। रानी चुपचाप जोल्हाके बजौलनि आ कहलनि, तू ओहि चुनरीमे छाती लात आ झोटा हाथ लिख दिहेक आ ओकरा तेना कऽ चौपैत दिहेक जे कियो बुझौक नहि, राजाके एकर खबर नहि होइन। यदि तू हमर कहला अनुसार कऽ देमे तऽ तोरा डाला भरि सोना इनाममे देबौक। जोल्हा आमदनी देख रानीके बात मानि गेल। पूर्व समयमे राजा सब चिड़ै चुनमुनी पोसैत छलाह, ओकरा सबके प्रशिक्षित कऽ गुप्त राजकाज लैत छलाह। राजा सुवर्णके सेहो एकटा कौआ छलनि। राजा चुनरी एकटा बाँसक चोंगामे दऽ ओकरा मुँह बंद कऽ देलनि आ मधुश्रावणीसँ एक दिन पूर्व कौआके देलखिन आ नव कनियाके पता बुझा कऽ दऽ अयबाक लेल आदेश देलनि। कौआ चला कऽ रहितो छल तऽ कौए बाटमे एकटा कुम्हारक ओतय भोज रहैक, ओतय ओ चोंगा राखि ऐठ जूठ खाय लागल। कौआ चोंगा ओतय बिसरि गेलैक। मधुश्रावणी दिन राजकुमारीके सासुरसँ कोनो वस्तु नहि अयलनि। ओ तमसाकऽ उजरा फूल आ उजरा चाननसँ गौरीके पूजा कयलनि आ कल जोड़ि बर मांगल जे जहिया हमरा राजासँ भेंट हो तो हम बौक भऽ जाय। राजकुमारीके भाई चंद्रकरके जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह कऽ लेलनि तऽ ओ तमसाकऽ खर्चा पठेनाइ बंद कऽ देलनि। खर्चा बंद भेलासँ राजकुमारीके साँझक साँझ उपास पड़ लगलनि। चेरियाके राजकुमारीके कष्ट नहि देखल जानि। लग पासमे एकटा पोखरि खुनाइत छलैक, ओहिमे माटि उघक काज करऽ लागल। साँझमे बुनि आनि दुनू गोटे उपास तोड़ए, ई काज चेरिया नित्यदिन करऽ लगली। ओहि बुनिसँ दुनू गोटेके गुजर नहि जानि। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिर चेरियाके सँ बुनि करय लेल गेलीह। ओतय हुनका पता लागि गेलनि जे ई पोखरि हुनकर सौतीनक खुना रहल छनि। ई बुझितहि हुनका टिप्पणीक बात मोन पड़लनि। ओ सोचलनि लिखलाहाके कियो नहि मेट सकैत अछि। जखन ओ पथियामे माटि उठौलनि आ भारी लगलनि तऽ बाजि उठली, सिरकर सिरहि चढ़ाओल चंद्रकर देल बनवास, राजा सुवर्ण बनहि बियाहल लिखला नहि परकार। जौन सब ई सुनि अकचका गेल। राजकुमारी दोसर पथिया माटि उठौलनि आ वएह फकरा बजलीह। वनमे राजा सुवर्णक विवाहक बात सुनि सबके आश्चर्य भेलैक। संयोगसँ राजा सेहो ओहि दिन पोखरिक काज देखबाक हेतु आयल छलाह। ओहो ई फकरा सुनलनि। फकरा सुनि हुनका सब बात मोन पड़ि गेलनि। कोना ओ प्यासे व्याकुल राजकुमारीके ओतय गेलाह, केहन ओतय हुनका सत्कार भेलनि, फेर विवाहो कयलनि। सब बात राजाके स्मरण हुअ लगलनि। तकर बाद ओ अपन राजधानी आबि ओहि राजकुमारीके बिसरि गेलाह। राजाके लाज ओ आत्मग्लानि भेलनि। राजकुमारी तेसर पथिया माटि फेकबाक लेल उठौलनि। एहि बेर ओ आधे पथिया फेंक सकली तऽ बीचेमे राजा सुवर्ण हुनका आगामे ठाढ़ भऽ गेलाह। राजकुमारीके राजा चिन्ह गेलाह आ पुछलनि जे ई काज किएक कऽ रहल छी। राजकुमारी गौरीके वरदानक अनुसार बौकी भऽ गेलीह। ओ राजाके किछु उत्तर नहि दऽ सकलीह, बौकी भेल ठाढ़ रहलीह। राजा सवारी मंगाए
चरिया के संग राजकुमारी के राजमहल लौ गेला। ओत स्नान कराए सुंदर पटो आ गहना सब पहिराए रानी के सम्मान देलखिन। तहन राजा के एहि बातक दुख होइन जे बजत किएक नहीं छथि। चरिया सब पुछला पर ओ कहलकनि मधुश्रावणी ऋण अपने पावनिक हेतु किछ नहि पठौलियनि। ओहि तामस से राजकुमारी उजरा फूल आ उजरा चानन सँ गौरी के पूजा कयलनि आ गौरी सँ वरदान मंगलनि जे जहन हमरा राजा से भेंट हुए तो हम बौक भऽ जाए, तैं ओ नहि बजैत छथि। राजा जहन सब बात सुनलनि तऽ दुखक पारावार नहि रहलनि। ओ कौआ के बजा चोंगा के खोज कयलनि। कौआ के ई बात ध्यान से उतर गेल रहैक, खोज करते ओकरा कुम्हरा ओहिठामक बात मोन पड़ि गेलैक। राजा अपन दूत पठा कुम्हरा के बजौलखिन। तहन ओ कहलकनि जे हमरा एकर जानकारी नहि अछि, तहन हम अपना एहिठाम खोज करैत छी। कुम्हरा तहन आंगन गेल आ खोज केलक तऽ पता लगले जे भोजक दिन ई चार पर सँ खसल आ ओकर पुतोहु ओ चोंगा उठा कोठी में राखि देलक से रखले रहैक। ओ आनि राजा के देलकनि आ क्षमा याचना केलक। राजकुमारी के तहन संतोष भेलनि जे एहिमे राजा के कोनो दोष नहि, कौआ के चंचलता सँ ई सब फसाद भेल। चोंगा आनि जखन राजा देखलनि तहन सब वस्तु ओहिना अनामति छल। चोंगा में सँ पटवर निकालि जहन देखलनि तऽ देखैत छथि जे ओहि पर लिखल अछि छाती लात आ झोटा हाथ। राजा के ई देखते देह में जेना आगि लागि गेल। ओ जोल्हा के बजाय पूछलखिन जे ई कोना लिखल गेल। जोल्हा सब सविस्तार कहि देलक। राजा रानी के बजाय दू खंड को काटि गरबा देलनि। राजकुमारी के आब बुझा गेलनि जे एहिमे राजा के कोनो दोष नहि, कौआ के गलती सँ एतेक फसाद भेल। राजकुमारी अगला साल मधुश्रावणी दिन ललका फूल आ ललका चानन सँ गौरी पूजा कयलनि आ बोल फुटबाक वरदान मंगलनि। रानी के बोल फुटलनि आ तखन ओ राजा के संग रानी बनि सुख सँ जीवन बितबऽ लगलीह। गणेश जी के सुहाग माथब आ बाँटब। मधुश्रावणी दिन गणेश जी गौरी से कहलनि माय आय मधुश्रावणी पावन छिए, हम सुहाग माथब आ जे मांगत तकरा देबे। गौरी कहलखिन अवश्य मथु आ जय वस्तुक प्रयोजन हुए से कहू, हम ओरियान कऽ देब। गणेश जी कहलखिन हमरा धन धनी काठक तमा नीम बेल आ आमक काठी चाही। गौरी गणेश जी के सब वस्तुक ओरियान कऽ देलनि। गणेश जी सुहाग मथलनि आ बाँटऽ लगलाह। सर्वप्रथम एक धोबिन एली आ सुहाग मंगलनि। गणेश जी ओकरा सुहाग देलनि आ कहलनि अहाँक धोबी नुआ वस्त्र धोता, भट्ठी लगौता, भरि दिन परिश्रम करता आ साँझ खन घर औता, ताहि मे अहाँक सुहाग बढ़त। तकरा बाद एक कैथिन सुहाग मांगऽ एली। गणेश जी हुनको सुहाग देलनि आ कहलनि अहाँक देवान जी भरि दिन लिखा पढ़ी करता आ साँझ खन घर औता, अहाँ अपने सिक्की के मौनी चंगेरी बुनब आ खोपा के विन्यास करब, तह सो अहाँ के सुहाग बढ़त। तकरा बाद एक मलाहिन एली। गणेश जी ओकरो सुहाग देलनि आ कहलनि अहाँ के मलाह माछ मारता आ बेचता, जाल बुनता आ टापी बनौता, अहाँ के देह मछानि महकत, तह सो अहाँ के सुहाग बढ़त। तखन एक मालिनी एली। गणेश जी ओकरो सुहाग देलनि आ कहलनि अहाँक माली भरि दिन फूल तोड़ता आ साँझ खन माला गाँथि अपन ग्राहक के घर पहुँचौता, ताहि सँ अहाँक सुहाग बढ़त। तकर बाद एक गुआरिन एली। गणेश जी
ओकरो सुहाग बटलैन आ कहलैन, अहाँ के गुआर भर दिन गाय महीस चरौता आ साँझ भोर दूध दुहता, अहाँ दही पोरब घी मथब आ दूध दही बेचब, अहाँ के देह फोकरैन महकत ताहि सँ अहाँ के सुहाग बढ़त। तखन बनियान एली सेहो सुहाग मंगलैन, गणेश जी हुनको सुहाग देलैन आ कहलैन, अहाँ के बनिया तराजू बटखारा धोता आ भरि दिन सौदा बेचता, अहाँ हुनका मदद करबनि आ अन्न सबके फटकि कऽ बना कऽ रखबनि, ताहिसँ अहाँके सुहाग बढ़त। सबसँ पाछू ब्राह्मणी एली, ओहो गणेश जीसँ सुहाग मंगलैन, गणेश जी हुनको सुहाग देलैन आ कहलैन, अहाँके ब्राह्मण पूजा पाठ करता आ वेद पुराण अपनो पढ़ता आ विद्यार्थी सबके सेहो पढ़ौता, अहाँ जनो काटब आ घर आंगन पवित्र राखब आ पवित्र सँ भानस भात करब, ताहिसँ अहाँके सुहाग बढ़त। एहि प्रकारे आनो आनो जातिक सधवा सब एली, गणेश जी सबके सुहाग बटलैन आ अपन अपन धर्म आ जातिक अनुसार उपदेश देलैन, सब केओ प्रसन्न भऽ जाय गेलीह।